यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी। 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हादसे के एक हफ्ते के अंदर ही एसआईटी की 300 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार हो गई, जो प्रशासन को भेजी गई। इसके बाद ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई और इस रिपोर्ट में भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। आयोजकों और अफसरों पर जिम्मेदारी डाल दी गई। योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरपुर मऊ के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड किया है। इनमें चौकी इंचार्ज कचौरा और चौकी इंचार्ज पोरा भी शामिल है। अब जितने भी कार्रवाई करते रहे, जाने वाले चले गए, बच्चे अनाथ हो गए, 121 घरों में मातम पसरा हुआ है। इस सो कॉल्ड चमत्कारी बाबा सूरजपाल जाटव को कौन बचा रहा है? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसकी शह से ये यहाँ तक पहुँचा है। 5000 औरतों की पिंक आर्मी, 100 ब्लैक कैट कमांडो से ये घिरा रहता था। कई राज्यों में इसके आश्रम है, कई 100 करोड़ की इसकी संपत्ति है। कैसे बना लिया आखिरकार इसने? दरअसल आपराधिक मामलों का सामना कर रहे ऐसे स्वयंभू बाबाओं की, चमत्कारी बाबाओं की एक लंबी सूची है और इनमें गुरमीत राम रहीम सिंह, रामपाल महाराज, संत आसाराम बापू, निर्मल बाबा भी शामिल है। इन सभी मामलों में पुलिस और राज्य सरकारें तब तक नहीं जागती हैं जब तक बलात्कार नहीं हो जाते, जब तक हत्या नहीं हो जाती, भगदड़ नहीं हो जाते, ठगी जैसे आरोप नहीं लग जाते, अपराध नहीं हो जाते, कई लोगों की जान नहीं चली जाती। ज्यादातर पीड़ित अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब होते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हैं, जबकि वो और उनके परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी बाबा के पास आकर दान देते हैं और दान के इन पैसों पर ऐशो आराम से बाबा अपनी जिंदगी जीते हैं। अब हाथरस कांड से सुर्खियों में आए नारायण सरकार हरी उर्फ भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो रही है। सभी 13 अखाड़ों के बीच इसकी सहमति बनी है। कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को एक बैठक होने जा रही है। अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। इन ढोंगी स्वयंभू बाबाओं को मेले में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इस तरह की मांग मेला प्रशासन के सामने अब रखी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी के मुताबिक जनता को भ्रमित करने वाले बाबा, ठगने वाले, फंसाने वाले पाखंडी बाबाओं की सूची अखाड़ा परिषद तैयार कर रहा है। खुद को त्रिकालदर्शी, भगवान, परम ब्रह्म और ईश्वर का अवतार बताकर जनता को ठगने वाले बाबाओं को अब ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है। ऐसे ढोंगी बाबाओं को महाकुंभ में कोई जगह नहीं मिलेगी। इस बारे में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों में सहमति भी मिल चुकी है। साथ ही मेला प्रशासन इस बार कुंभ में आने वाले धार्मिक संस्थाओं, महामंडलेश्वरों का सर्वे कराने में भी जुटा है। इसके लिए अब संतों की तरफ से आवेदन आ रहे हैं और अगले महीने सब ऑनलाइन पोर्टल पर भी शुरू हो जाएगा। हाथरस कांड होने पर अखाड़ा परिषद भी अब धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले बाबाओं के खिलाफ सक्रिय है। इनमें नारायण सरकार हरी उर्फ भोले बाबा सेक्स सीडी कांड में फंसने के बाद दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में अलग देश बसाने वाले बाबा स्वामी नित्यानंद, बाबा राम रहीम सहित 20 ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। आपको बता दें कि 2014 में भी बाबाओं को ऐसे ही ब्लैकलिस्टेड किया गया था। 2014 में भी 14 बाबाओं को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पाखंडी करा दिया था। और वो नाम कौन से हैं वो भी आप सुनिए। आसाराम बापू, असली नाम है आसुमल सिरुमलानी हरकृपानी। साल 2013 तक उन्होंने भारत और विदेशों में 400 से ज्यादा आश्रम बना लिए थे। कई संगीन आरोप इन पर है। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम बापू को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी पाया था। वर्तमान में वो जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं। नारायण साई आसाराम बापू का ही बेटा है, पिता की तरह दुष्कर्म के मामले में दोषी है और जेल में बंद है। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, 2017 में दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बलात्कार का दोषी पाया। 28 अगस्त 2017 को उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2019 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी आरोप लगा और दोषी ठहराए गए। इस मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा राधे माँ सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ को उनकी जीवन शैली के चलते फर्जी करार दिया गया। उनके पहनावे, मेकअप, भक्तों से गले मिलने, फूल लेने देने, आई लव यू कहने जैसी कई चीजों पर विवाद हुआ था। राधे माँ धर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती हैं, अश्लीलता फैलाती, इस तरह के आरोप उन पर लगे। लोगों को बरगलाने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। राधे माँ और उनके सहयोगों पर गुजरात के कच्छ में 7 किसानों के परिवार से 125 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। जब परिवार को पता चला पैसे नहीं मिलेंगे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। जूना अखाड़े द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। विवाद हुआ, उन पर आरोप लगे, सही पाए गए और अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि उनसे वापस ले ली। स्वामी असीमानंद साल 2007 में
हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में 3 मामलों में शामिल होने के आरोप लगे थे, बाद में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। रामपाल बाबा, जो खुद को कबीरपंथी कहते हैं, हत्या, देशद्रोह, बंधक बनाने, अवैध हथियार रखने जैसे संगीन आरोप इन पर लगे थे। 2 मामलों में बरी हुए, लेकिन 2018 में हिसार की अदालत ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाबा 2014 से ही जेल में बंद है। इसके बाद नाम आता है सच्चिदानंद गिरी, असली नाम है सचिन दत्ता। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शराब कारोबारी सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद हुआ था। सच्चिदानंद बियर बार के साथ डिस्कोथेक और रियल एस्टेट का कारोबार चलाती है। इस मामले में जांच की गई, आरोप सिद्ध होने पर महामंडलेश्वर की उपाधि भी सच्चिदानंद से वापस ले ली गई। ओम बाबा, बिग बॉस रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले फिर मारपीट करके शो से निकाले जाने वाले ओम बाबा का असली नाम विवेकानंद झा है। उनके खिलाफ साइकिल चोरी करने से लेकर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ओम बाबा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने, विवादित व्यवहार करने की वजह से कई बार विवादों में आए हैं। फिलहाल उनका तो हो चुका है निधन। इसके बाद आते हैं निर्मल बाबा। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला, इन पर अंधविश्वास और धर्म के नाम पर ठगी करने के आरोप है। बताया जाता है करोड़ों रुपए के मालिक निर्मल बाबा ईंट भट्टे से लेकर कई तरह के व्यापार कर चुके हैं। धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, आय से अधिक संपत्ति के मामले इन पर हैं। एक और नाम आता है चदारी भीमानंद उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी का, जो खुद को इच्छाधारी बताते हैं, इच्छाधारी मानव बताते हैं। इन्हें सेक्स रैकेट चलाने और धोखाधड़ी के मामले में कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर नाम आता है आचार्य कुशमुनि। आचार्य कुशमुनि ने एक बार शंकराचार्यों का बहिष्कार करने की मांग कर डाली थी। ये भी ब्लैक लिस्टेड हो गए थे। इन्होंने खुद का ही अपना एक अखाड़ा ओंकार अखाड़ा बना लिया। बृहस्पति गिरी, इन पर आरोप है जालसाजी करके अलखनाथ ट्रस्ट के मंदिरों पर अधिकार करने की, यानी कब्जा करने की कोशिश का। इन पर ट्रस्ट के पूर्व महंत धर्मगिरी की हत्या का आरोप भी लगता रहा है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय बाबा और मलकानगिरी के नाम भी अखाड़ा परिषद द्वारा फर्जी घोषित किए गए बाबाओं की सूची में शामिल है। भगोड़ा बाबा है नित्यानंद। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध स्वयंभू धर्म गुरु स्वामी नित्यानंद, बैंगलोर मैसूर राजमार्ग पर इसका आश्रम हुआ करता है। 2010 में नित्यानंद उस वक्त विवादों में आया जब एक अभिनेत्री के साथ सेक्स सीडी सामने आई थी। फिलहाल वो फरार है। अखाड़ा परिषद की एक और लिस्ट इसके बाद जारी की गई थी। अखाड़ा परिषद की दूसरी लिस्ट में दिल्ली के वीरेंद्र देव दीक्षित, बस्ती के सच्चिदानंद सरस्वती, इलाहाबाद की महिला संत, परी अखाड़े के स्वयंभू महामंडलेश्वर और त्रिकाल भावंता के नाम भी शामिल थे। राजस्थान के अलवर से फलाहारी बाबा को भी रेप के आरोप के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद 2018 में भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 2 मशहूर नामों को शामिल किया गया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज और कल्कि फाउंडेशन के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी फर्जी घोषित किया गया था। अखाड़ा परिषद ने कहा कि दोनों ही बाबा किसी सन्यासी परंपरा से नहीं आए हैं। ये तो अखाड़ा परिषद का डिसीजन है कि किसे वो फर्जी घोषित करता है और किसे नहीं करता, लेकिन ये जनता का अपना खुद का विवेक भी होता है, उसे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वास करना ही है तो ईश्वर पर विश्वास करिए, ना कि इन ढोंगी बाबाओं पर। इस खबर पर इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।